हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज मेरी किचन में कौन सी रेसिपी बन रही है उसको शेयर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे खट्टे मीठे सुझाव मुझे कमेंट के द्वारा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह लखनऊ की एकदम फेमस दही फुल्की की रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप दही, 1/2 कप दही, और इस दही को जो है हम अच्छे से विस्कर से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो हमारी दही है वो एक समान हो जाए, उसमें कोई गुठली ना रहे। तो ये हमारी जो दही है वो अच्छे से फेंट चुकी है। इसको हमें मिक्सी के जार में नहीं फेंटना है, बस ऐसे ही करछी से या विस्कर से आप दही को फेंट लीजिए। तो 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से हमारी दही फेंट जाती है। और अब जितना हमने दही लिया था उतना ही हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें इसके पानी को पतला बनाना है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये दही का पानी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए मसालों की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया 2 हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और 6 से 7 लहसुन की कलियां, उनको मैंने अच्छे से छील लिया है, और इनको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक पेस्ट टाइप का ही पतला सा हम इसका बना लेंगे, और इस पानी को भी हम ऐड कर देंगे दही वाले पानी में। दोस्तों, थोड़ा सा जो मेरा मसाला था वो मिक्सी के जार में ही रह गया, तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा दही वाला पानी डाल के उसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, और नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जितना भी तीखा आप लेते हो उतना करिए। अब हम करते हैं आगे की तैयारी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, और उस पर मैंने डाल दिया नमक, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच मैंने डाला है अजवाइन, और 1/4 चम्मच मैंने डाला है हींग। और अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और करछी से चलाएंगे, और इसका एक हम जैसे पकौड़ी वाला बैटर होता है उतना थिक हम एक बैटर इसका बना देंगे। तो करछी से अच्छे से हम इसको घोलेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और इसमें भी मैंने डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो हरे धनिए की टेस्ट इसमें बहुत अच्छी आती है। आप हरे धनिए की जगह इसमें मेथी के पत्ते या पालक के पत्ते भी चॉप करके डाल सकते हैं। आप कोई भी कसूरी मेथी भी ले सकते हैं, और फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं। तो इस तरह का हमको इसका बैटर बना देना है। गैस में मैंने कढ़ाई रख दी है, और इस पर अब हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हैं उसका उसको ले लीजिए, और ये जो हमने बैटर डाला था उसकी अब हम बनाएंगे इसमें फुल्की। तो पहले मैंने एक छोटी सी पीस डाली है चेक करने के लिए कि तेल गरम है या नहीं। तो तेल हमारा एकदम गरम हो चुका है। फ्लेम को हम रखेंगे लो टू मीडियम, क्योंकि ये बेसन है, और बेसन जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा अगर हमारा फ्लेम जो है तेज होगा। तो फ्लेम को हमें कम रखना है, और इस तरह से दोनों तरफ पलटते पलटते हुए हमें इन पूरियों को अच्छे से फ्राई कर देना है। तो ये एक बार की जो मेरी पूरियां हैं वो बन चुकी हैं, और इनको हम डायरेक्ट डाल देंगे दही वाले पानी में। तो इस तरह से दोस्तों हम सारी पूरियों को बना देंगे, और उनको पलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे, और सारी पूरियों को हम इस तरह से दही वाले पानी में डालते रहेंगे।
बहुत अच्छी खुशबू दोस्तों आ रही है इस पानी की। और देखिए 4 से 5 मिनट बाद ये हमारी जो फुल्कियाँ वो एकदम अच्छे से जो है दही को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत टेस्टी दोस्तों ये होता है। आने वाला जो फेस्टिवल होली है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत बहुत ही टेस्टी। और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है, जो हींग हमने इसमें डाली है और लहसुन डाली है, लहसुन का कॉम्बिनेशन तो इसमें बहुत ही गजब का होता है, बहुत स्वादिष्ट होती है दोस्तों। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।